जो शो किया है कल्याण जी ने, ये तो काफ़ी काबिल तारीफ है। जो एफर्ट्स उसने लिए हुए हैं, ठीक है, मैं उसकी जर्नी को जानता हूँ कल्याण जी की, काफ़ी ग्राउंड लेवल से उनकी जर्नी चालू हुई थी, और आज 15-16 साल के स्ट्रगल के बाद में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये सही में बहुत बड़ी काबिल तारीफ है, वो भी विदाउट किसी सपोर्ट के। तो मैंने सुना है कि जो विनर बने हैं आप उनको फिल्म में चांस दे रहे हैं, तो और उनको फिल्म में चांस भी दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कल्याण जी के साथ? अभी तक तो मैंने कोई चीज़ सोची नहीं थी कि इसके अंदर जितने भी विनर्स हुए हैं उनके लिए कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कोइंसिडेंस से अभी मैं लेक सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया था, जहाँ पे मोंटू की बर्थडे मेरे फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, तो वहाँ पे मैं पिक्चर साइन करके आया हूँ, लव जैसा प्यार। तो अभी आपकी फिल्म को भी अवार्ड मिला है, अभी मोंटू की बर्थडे एक मूवी आ रही है मेरी, जिसको अराउंड 14 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जापान, इजराइल, इंग्लैंड, लंदन में भी ऑफिशियल सिलेक्शन हो चुका है उसका, जो बच्चों के डिप्रेशन के ऊपर आधारित है। सर आप बताइए, आप कल्याण जी से कैसे जुड़े हैं और इस शो के बारे में क्या बताइए? आपने ना तो ऐसी बात पूछ ली जो कल्याण और हम दोनों बहुत लगभग 18-19 साल हो गए होंगे, जब हमारी दाढ़ी नहीं आई थी बरोबर से, उस दरमियान से हम दोनों दोस्त हैं। पहली चीज, जब कल्याण वर्कशॉप चलाया करते थे और हम दोनों साथ में स्ट्रगल किया करते थे, हम लोग कभी ऐसा होता था कि हम एक टाइम का खाना होता था जो हम लोग दोनों साथ में खाते थे। कल्याण अपने तरफ सोशल वर्किंग में, कोरियोग्राफी में, इवेंट वगैरह करते करते आज कल्याण जी यहाँ पे पहुँचे, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अभी जो इनका यहाँ पे शो था बच्चों को लेके, अमेजिंग। आज के टाइम इंडिया में किसी ने ऐसा किसी और बच्चों के बारे में, गरीब बच्चों के बारे में सोचा नहीं। जो मॉडल, जो लड़कियाँ, जो लड़के, जिन लोगों को कहीं पर अच्छा कोई ब्रेक नहीं मिल सकता, जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, तो कल्याण अपने तरीके से ये अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस वक्त। और मैंने देखा है स्टेप बाय स्टेप हम ये अपने लाइन में ग्रोथ करते रहे, मैं मेरी लाइन में करता रहा। तो कल्याण के बारे में यार कुछ कहने के जैसा ऐसा नहीं है कि जो अप डाउन हो, हमेशा चलते ही रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे, यही शुभकामनाएं हैं। नहीं, मेरे बारे में तो ऐसा है ना भैया कि अभी प्राइम फ्लिक्स उस दिन आए थे मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश भोसले जी, तो जो प्राइम फ्लिक्स चैनल है उसका भोजपुरी कंटेंट हेड मैं हूँ चैनल का। अदरवाइज जो लोकेशन है, लोकेशन मेरी टीम है 47 लोगों की इन हाउस, जो मेरे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अभी मैं मुंबई शाखा कर रहा हूँ, संजय गुप्ता जी की फिल्म विशेष का कर रहा हूँ, स्वास्तिक कर रहा हूँ। तो एवरी डे 9 and 10 शूटिंग हमारे यहाँ पे होती है, जो मढ़ में लगभग 23 बंगलोर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। बॉम्बे में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, जो हमारे लेवल पर हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे हैं, और मैंने एक दो लाइन प्रोड्यूसिंग भी फिल्म की है, जैसे अभी लिम्बर्गिनी का जो मेल वर्जन आया था वो हमने, उसका लाइन प्रोड्यूसर मैं था। कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ बढ़िया तो करने की पाएंगे। इतने सारे शो करा चुके हैं, इनके शो के जो विनर होते हैं या विनिंग गर्ल्स या बॉयज जो हैं, क्या उनको आप कभी कोई प्रोजेक्ट करेंगे या कोई फिल्म करेंगे, उनको चांस देंगे? डेफिनेटली अभी मैं चैनल में था, चैनल से ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो राकेश भोसले जी से हमारी बात हो रही थी कि जो इनके उनके जो शोज हैं उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां उनको अच्छे लगे हैं जिसका परफॉर्मेंस, और हम उनको काम देंगे। सर आप कुछ बताएं कि वैसे भी आपकी आवाज़ बहुत दमदार है, कुछ बोल दीजिए कल्याण। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कल्याण जी एक अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात जो कल्याण जी ने की, जो गरीब बच्चों को उन्होंने एक मौका दिया रैंप पे चलने का, वो एक अच्छा, यानी पहली बार मेरे ख्याल से हमने देखा या सुना कि रस्ते के उठाए हुए बच्चों को मॉडल्स के साथ चलने का एक चांस दिया, एक्सपोजर दिया। अब जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसमें चैरिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो खुद भी एक, यानी कि गरीबों का एक्टर, उन्होंने बैनर लगाया हुआ है, तो उस बैनर को देखते हुए वो गरीबों को लेके चलना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं और सोशल वर्क करना चाहते हैं। उसमें जुड़ने में भी मज़ा आता है, और साथ में यानी कि उनको प्रोत्साहन देने में या उनके प्रोग्राम में शिरकत करने में सबसे बड़ी रीज़न ये हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं समाज से जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाना चाहते हैं, यानी जेन्युइनली आगे लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण दे दिया, बट ही इज़ रियली डूइंग अ वेरी गुड वर्क। दूसरी बात आती है ये कि हम लोगों का जैसे कहीं सेट डिज़ाइनिंग में, क्योंकि हमारा फर्नीचर का भी कारोबार है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें जहाँ सेट डिज़ाइनिंग या
फर्नीचर के लिए कोई भी चीज़ लगती है तो वो हम लोग उसे प्रोवाइड भी कर सकते हैं। नहीं, पूरी दुकान मतलब साइट तो ये लोगों का काम है, लोकेशन डिसाइड करना या क्या होगा वो लोकेशन वाले हैं, और उसमें वो हमें कितना पैसा देंगे वो भी इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी। लेकिन मुद्दे की बात ये होती है कि हम लोग मिलके काम करें, बेनिफिट हो सबका, और अपने आपस में हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आपको अवार्ड भी मिला है सुनने में आया, तो अवार्ड लेके आप कितना उत्साह में हैं और कितना? अवार्ड तो एक तरीके से ये लोगों का जिसे हम लोग कहेंगे आशीर्वाद या उनका एक्नॉलेजमेंट होता है कि हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसका नाम हो गया है। वो एज सच कोई विनिंग प्राइज या मेडल नहीं है, वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ भाई ये हमारे साथ जुड़े थे, और एक मोमेंटो बन जाता है। वो मोमेंटो वहाँ रखते हैं, हम लोग अपने टेबल पे लगाते हैं तो 10 लोग और पूछते हैं, तो उनका एक कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग फीचर भी बन जाता है। थैंक यू सुनील सर। हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अवार्ड हो चुका है, क्या कहेंगे आप? अवार्ड मिले और आपने अवार्ड लिया, बहुत ही प्यारा अवार्ड फंक्शन रहा। कल्याण जाना को और उसकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो, और ये दोनों पति पत्नी जो है बहुत ही मेहनती है। मैं तो हमेशा इसको कहता हूँ कि ये मुझे गुरु बोलता है, लेकिन मैं इसको महागुरु बोलता हूँ क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम करता है जो करीब करीब नामुमकिन के बराबर होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही पंगे लेते रहता है। और मुझे अंदर से मैं डरते रहता हूँ कि पता नहीं कैसे करेगा क्या करेगा, लेकिन जब जाके देखता हूँ तो रिज़ल्ट जो है 100% से ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इस मामले में मैं कल्याण जाना को ये कहता हूँ कि यार ये आदमी को अभी तक दुनिया ने नहीं जाना जिसका नाम है कल्याण जाना। थैंक यू, थैंक यू। और आपने अवार्ड दिया और आपने महागुरु को दिया कल्याण जी, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि मैं किसी ने अवार्ड ले लूँगा, लेकिन कभी अवार्ड नहीं कराया कल्याण को देखता हूँ तो लगता है कि मैं अवार्ड का हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, क्योंकि जो कुछ आदमी महागुरु उसी को बोलता है कि लगता है कि सामने वाले के पास वो चीज़ है, सामने वाला वो सोचता है, सामने वाला वो करता है जो अभी तक मैंने नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ, मैंने किया नहीं लेकिन ये कर चुका है। तो हो सकता है ना कि वो तो आदमी सोचता है कि नहीं यार ये भले उम्र में छोटा है अभी नया है, लेकिन ये काम में मुझसे आगे हैं, तो नो डाउट अनडाउटेडली ही इज़ अ महागुरु और बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है, इंस्पिरेशन है सबके लिए जो नए लोग आते हैं, जो सोचते हैं यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फुटपाथ पर रहता हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं कैसे होगा, मेरा कौन मुझे संभालेगा। तो इसने साबित किया कि गॉड फादर की ज़रूरत नहीं, आपका फादर को अगर आप गॉड मानते हो तो उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और गॉड आपका खुद फादर बन जाएगा। जी क्योंकि ये तो बहुत गंदी बात है कि अगर आप उल्टा पार्टिसिपेंट से ही पैसे ले रहे हैं तो ये फिर आप उनको चांस नहीं दे, वो तो वो आपको चांस दे रहे उल्टा तो ये फिर गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए, आपके अंदर तो काबिलियत होनी चाहिए कि आप किसी को नया चांस दे रहे हो तो उसको चांस के साथ साथ उसको हिम्मत अफजाई के लिए आप उसको सपोर्ट करो, ना कि उससे पैसा लो, ना कि उससे उसका शोषण करो। तो शोषण करने का मुझे मेरे हिसाब से तो सेम वो हो गया कि जैसे आप शोषण करते हैं नए कलाकारों का, वो हो गया, तो वो फिर वो इंसान का काम नहीं हो रहा, वो शैतान का काम है, तो भगवान भी उसको फिर फलने फूलने नहीं देता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, हमने जब भी कोई काम किया है कोशिश यही की है कि भले भाई तुम 1 रुपये लेते हो तो 4 आना ले लो, हाथ जुड़ के निवेदन करते कि भाई 4 आना हमारा बजट है, लेकिन जो भी है वो ईमानदारी से करते हैं और किसी को कोई झूठ बोलना नहीं चाहिए और किसी को भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाहिए, जिसकी जीती जागती मिसाल है कल्याण जाना। और मुझे लगता है कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये इंस्पिरेशन सबके लिए, और मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ इसको, और मैं समझता हूँ कि अभी तो इसकी जस्ट शुरुआत है, ये आदमी इसका नाम है कल्याण, इसका कल्याण होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। आपने बहुत टाइम इंडस्ट्री में दिया है, जी जो बच्चे नए अभी पार्टिसिपेट करके विनर बने उनको कुछ मैसेज देंगे? बिल्कुल, जो नए बच्चे अभी और नए कलाकार जो आ रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ, अगेन मैं उनको महागुरु बोलता हूँ, क्योंकि नए लोग जो हैं वो नयापन लाते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, पुराने तो हमारे जो है जड़े हैं, जिनकी वजह से हमने सीखा है, तो जो उन्होंने हमारे पैर मजबूत किए, जड़े हैं हमारे, जिनके बिना हम चल ही नहीं सकते, जिनके वो खड़े नहीं रह सकते, लेकिन नए लोग जो है वो पत्ते हैं, वो हरियाली है, वो बहार है हमारे लिए। तो नयापन अगर हमको चाहिए तो नए लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। तो नए पार्टिसिपेंट चाहे फिल्मों में हो, टीवी पे हो, OTT प्लेटफॉर्म पर हो या कहीं पर भी हो, नयापन जो लाता है उसको मेरा सलाम है और उसको मैं गुरु मानता हूँ, और मैं कहता हूँ कि
नए लोग जो है वो ग्रेट होते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आपने इतना जोश उठाया है और कल्याण जी का बहुत सपोर्ट किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं शेख करीम दुबई से हूँ और कल्याण जी को मैंने बहुत टाइम से जानता हूँ कि इनके काम देखता रहा मैंने, इनके काम अच्छे हैं तो इसके लिए मैं इनको दुबई, ओमान, यूके, हम लोग जो फैशन शो करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बहुत सारे शोज़ करते हैं, हमें मेरे 1450 शोज़ हुए अभी तक। उस अभी हमारे तो हर महीने में एक दो शो होते रहते हैं, उस शो में भी लेके जाएंगे और स्पेशली एक दुबई में हमने जो दादा साहब फाल्के अवार्ड नेक्स्ट ईयर के लिए 2020 में जो रख रहे हैं उसमें एकदम जैसे सुनील जी हैं ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को बड़े बड़े हस्तियों को ले जाएंगे और यहाँ से जो लड़कियाँ कुछ फैशन शो में जो विन हुए उनको भी हम लोग ले जाएंगे उनके लिए। और कल्याण जी को और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कल्याण जी जो कर रहे हैं मैं इनकी सिर्फ यही देख के कि ये दूसरों के जैसे पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों का प्यार बांटने के लिए है, ये प्यार बांटते हैं और गरीबों की करते हैं। इन्होंने जो किया आज तक, मैंने 1450 शोज़ किया हूँ, ऐसा शो जो बच्चों को ले आके, जो स्ट्रीट बॉयज जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं उनको ला के जो सपोर्ट किए, बहुत ही बड़ी बात है। ये आज तक मैंने भी नहीं सोचा था इन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि काम में कोई बड़ा नहीं होता है, कुछ चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती हैं, ये बहुत बड़े ये काम किए, इस वजह से हमको बहुत चाहते हैं, ये जाना भी है और सबकी जान भी है। ओ जान कल्याणी जान, नहीं कोई तुझ सा दीवाना, जहाँ भी तू जाए वहाँ पे छा जाए तू, ऐसा दोस्त है पुराना, ये तो है अलविदा। क्या बात, हजारों में अकेला, सदा सबने ऐब देखा, हुनर को न देखा। जो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता है, लोगों को अवार्ड देता है, लोगों को रिवॉर्ड देता है, लोगों को आशीर्वाद देता है, लोगों को अप्रिशिएट करता है, मैं कहता हूँ कि ईश्वर का सच्चा बंदा और ईश्वर का रियल मैसेंजर वही होता है। धरती पे हम सबको इंसानों को ऊपर उन्होंने बनाया है कि जाओ एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की हंसी का कारण बनो, एक दूसरे की खुशी का कारण बनो, एक दूसरे के सक्सेस में अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, तो ही ये जीवन सफल है। ऐसा ये बंदा हम सबको इम्प्रेस करता है और इंस्पायर करता है। तो मुझे लगता है कि कले जाना, तुम बहुत तुम्हें आगे जाना है। थैंक यू, थैंक यू मैडम। आपका रहने आपने बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, देखा है शो में, तो आपका क्या रहेगा रिएक्शन कल्याण जी को लेकर इस शो में? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुभमा मल्होत्रा और कल्याण जी जाना जैसे मुझे अपनी माँ और मानते क्या है, माँ का दर्जा दिया है, ये बहुत बड़ी दौलत मुझे मिली है। और जैसे सब ने कहा कि भाई ये इतना अच्छा नेक काम करते हैं, आई वुड से कि ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज जो बने हैं ना, सब नए कलाकार, नए एस्पायरिंग एक्टर्स, मॉडल्स और जिनको जो ख्वाब देख के अपने अपने दूसरे शहरों से आके यहाँ मुंबई नगरी जो ड्रीम की नगरी है, उसमें ऐसे शख्स के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है। और मैं इसलिए जुड़ी कि ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था इनका, कि जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, एंड इवन आपने जैसे देखा परसों प्लेटफॉर्म पे कि जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, हर किसी को ये मौका देना चाहते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ से आगे अपने आप को लेके चलो, और बहुत रेयर होता है, इसीलिए मैं जुड़ी इनके साथ। एंड इट इज़ माई पैशन ऑल्सो, क्योंकि मेरा अपना शुभास्ता फाउंडेशन है एंड वी डू द सेम थिंग, कि हम मौके देते हैं, हमारा एक एकेडमी चलता है जिसमें हम मौके नहीं लिया है, मैं इतने शोज करती हूँ, सब में एक फ़ी होती है जो मिनिमम 30,000 से शुरू होती है, इट गोज़ इन लैक्स, एंड उनका ग्रूमिंग सेशन है, सब चीज़ का पैसा लिया जाता है और फिर उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है। वेरएज़ यहाँ रिवर्स है, यहाँ हमने इन्होंने कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ उनको एक सवारा है, निखारा है, उनको आगे की अपनी उनका जो फ्यूचर है, उनका जो वो ड्रीम करते हैं, जो वो सोचते हैं, हमने उसको सहारा है मिलके हम सब ने। और सुनील पाल जी, कलीम साहब जो दुबई से आए हैं, इतना मतलब बहुत बड़ी बात है, सारे क्राउन्स जो है लड़कियों के यू नो उस पर चमक रहे हैं,
बहुत बड़ा ताज है ये उनके लिए, और मैं कहूँगी कि दे आर वेरी लक्की कि यू नो चाहे कुछ भी हो, एवरीबडी इज़ अ विनर और सबके सर पे ताज इन्होंने पहनाया है, बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वेरी रेयर बिकॉज ताज अगर मिलता है तो सिर्फ फर्स्ट को मिलता है, सेकेंड और थर्ड रनर बस दैट्स इट, बाकी जितनी 9 लड़कियाँ थी, इट इज़ अ प्रोत्साहन मिलता है, इससे एनकरेजमेंट मिलता है, अपनी पहचान भी होती है कि आई कैन डू बेटर। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू वेरी मच कि मुझे इन्होंने इसका मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण, एंड ऑलवेज माई ब्लेसिंग्स एंड माई सपोर्ट इज ऑलवेज विद यू, वेर एवर आई एम आई विल कम हियर फॉर यू। कल्याण जी कैसा लग रहा है, इतने लोगों ने तारीफ की, खास करके सुनील पाल जी ने आपको महागुरु कहा, जो क्या क्या कहूँ। सबसे पहले मीडिया को मेरा नमन करता हूँ मैं, जो मीडिया पिछले 3-4 दिन से मेरे साथ लगे हैं, और सही बात है मेरा जो ये गुरु नहीं है, मैं उनको बड़ा भाई सबसे पहले मानता हूँ, उसके बाद मैं गुरु मानता हूँ। जब भी इनके ऑफिस में गया तभी ना कभी ना मतलब एक नया मुझे सीखने मिला, एज ए एक्टर, अगर एज ए कॉमेडियन, अगर एज ए मैं कॉमेडी करता हूँ स्टेज पर, तो अगर वो सीखा हो सिर्फ और सिर्फ सुनील पाल जो मेरे गुरु हैं उनकी मैं दुआ से मैं सीखा हूँ। पिछले 3 दिन से जब भी बुलाया आए, पहला दिन आए फैशन शो में, सेकंड डे अवार्ड शो में, थर्ड डे ये, मतलब एक वो इतना वक्त है, वक्त उनके पास नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास, तभी भी मैं गुरु जी आपको आना है, ठीक है बाबू मैं आ रहा हूँ, तो ये सबसे पहले मैं सल्यूट करता हूँ, गुरु जी आप टाइम निकल के 3 दिन तक आप कंटिन्यू आप आए हैं शो में, इवेंट में, इसलिए दिल से शुक्रिया। एंड ऑलवेज मेरा भाई, मेरी जान, एक जान मेरी अंकिता है, दूसरा जान मेरा ये है, क्योंकि ये दुबई से जब मुझे पहले मिले थे तो कल्याण जी अपन कुछ करेंगे, मिलकर कुछ करेंगे, तो दास फल के आइकॉन एवर फिल्म्स जो हमने किए है मुंबई में, तो अभी हम दुबई में कर रहे हैं 2020 में 6 अगस्त को हम लोग कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच से कलीम साहब, मुझे हर वक्त मुझे रात को फ़ोन करते हैं, कल्याण जी तुम खाना खाया कि नहीं खाया, कल्याण जी तुम कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना, तो ये बहुत कम लोग होते हैं अपने काम को छोड़ कर पूछना, उनको फ़ोन करना, बेसिकली कॉलिंग तो लगता नहीं है, तो व्हाट्सअप कॉलिंग करके आप मुझे बार बार पूछते हो कैसे बेटा, तो कैसा है। असल में क्या है कि जो यूथ आइकॉन जो है, मतलब देखिए कि इनका नाम शुभ है, तो ये बहुत इस हमारे बैनर के लिए या हमारे संस्था के लिए शुभ है, शुभ है, और ये आने वाले दोनों जो है वो आने वाला कल है, कल है, कलीम कल्याणी कल्याण कल, तो दोनों में कल है, ये मैं समझता हूँ कि हमारा बेटर टुमारो जो है वो इनसे होने वाला है, बाकी ये तो शुभ तो है ही, हर काम शुभ कार्य के लिए शुभ। हाँ, ये बेसिकली हम लोग मिले थे, हाँ ये पवन जी बोल के है हमारे एक मीडिया के बहुत अच्छे, एक पवन भारद्वाज बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे एक शो में बुलाए थे सारा स्टार में, जहाँ पर मैं डांस किया था, मेरे गुरु जी मेरे सामने बैठे थे, तो उस शो में सर को मैंने मिला, और मुझे बहुत खुशी है पवन जी आपकी दुआ से, पवन भारद्वाज सर आपकी दुआ से इनको मैं मिला हूँ, एंड थैंक यू सो मच सु मनोदरा जो मेरी माँ है, और अगर ये शो, अगर फैशन शो अगर मैंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी की वजह से किया है, एक शुभ मनोदरा और एक कलीम सर, अगर मेरे मैं फैशन शो में कर पाया तो शुभ मनोदरा खाली इतनी बोला, यूके में थे, दुबई में थे, भाग के यहाँ पर आए, और आने के बाद डायरेक्टली उन्होंने बोला कल्याण जी मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं दुबई में शो था इनका, वो छोड़ कर मेरे पास आए हैं, तो मैं शुभ मम्मी जी आपको मैं दिल से धन्यवाद शुभ मनोदरा, जो इंटरनेशनल खाली इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल एक डिजाइनर है, डायरेक्टर है, फैशन की दुनिया की बादशाह, और उसके साथ साथ सदमान जो है मेरे जो भाई है, मेरी जान है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है, नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं इसको दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, उन्होंने मुझे एक फ़ोन में बड़ा कल्याण जी मैं तेरे लिए मैं सब मॉडल में कर रहा हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सदमान भाई, थैंक यू सो मच, एंड मैं सगीर भाई, मेरे सगीर भाई जो है मेरी उनकी पूरी वो जो ऐसे इंसान है जिनको देख के मैं जिनको साथ में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वो सगीर भाई जो है आज प्राइम फ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म में जो भोजपुरी जो उसका जो एक कंटेंट है उसका कंटेंट हिट है, और मुंबई शहर में अगर फिल्म बन रहा है बड़ी बड़ी फिल्म तो उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन ओनली फॉर सगीर भाई वो दिलाता है, एंड थैंक यू सो मच राहुल
जिन्होंने पूरी मेकअप किया हमारे पूरे उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ, राहुल को, मेरी अंकिता बांबुलकर जो मेरी वाइफ है, एंड थैंक यू सो मच HBNN एंड कार्निवल्स HBNN.press और कार्निवल वन जो मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है, आकांक्षा मैम एंड थैंक यू सो मच आकांक्षा मैम जिसका HBNN.press के वो संपादक है, एडिटर है और कार्निवल वन के वो चेयरमैन है, एंड थैंक यू सो मच प्राइम फ्लिक्स आज नंबर वन OTT प्लेटफॉर्म मुंबई में नहीं पूरी इंडिया में अगर एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कम टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको कम टाइम में जो आज नंबर वन में बना है वो OTT प्लेटफॉर्म के जो मालिक है राकेश भोसले साहब, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, दिल से उनका प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो मुझे लास्ट मोमेंट तक उन्होंने मुझे साथ दिया है। मैं और ये जो फैशन शो में जो भी बच्चे लोग फर्स्ट सेकंड खड़ा है उनको सभी को मौका मिल रहा है, एंड लव यू राकेश भोसले साहब नंबर वन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम फ्लिक्स ऑलवेज मेरा बिकन मोड़े मेरा भाई आया है मेरा गुरु जिन्होंने जिनके आज क्राउड में से लेके पहले मुझे क्राउड में मैं काम करता था तो क्राउड से लेके यहाँ तक वो शुरुआती मोड में दौर में यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। वेरी वेरी थैंक यू बिकन मोरे जेउल जेलून राजा जो हमारा फर्नीचर फर्स्ट चॉइस फर्नीचर का मालिक वो भी यहाँ पर आया है और उसके साथ साथ में हमारा जो प्राइम फ्लिक्स का जो मालिक है डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर आए हैं, मैं सबको यहाँ बुलाएंगे, एंड थैंक यू सो मच अंकिता बांबुलकर जाना जो मेरी लवली वाइफ है जिनकी वजह से आज मैं कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच मैं सल्यूट करता हूँ मेरे गुरु को सुनील पाल साहब को, शेख कलीम साहब को और मेरे मम्मी सुभ मुनद्रा को और सतमान को, वो ऐसा एक कास्टिंग डायरेक्टर एक कास्टिंग एजेंसी वो चलाते हैं जिनकी नाम ही काफ़ी है, रोज हर रोज 15 लोगों को काम देता है, गरीबों को काम वो काम देता है, एंड थैंक यू सो मच सदमन भाई, थैंक यू सो मच आप इतना सपोर्ट करने के लिए, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। जी रेसलिंग शो और जी मैं रेसलिंग शोज भी करवाता हूँ जिसमें जैसे WWE ऐसे होते हैं कि ऐसे शोज इंडिया में भी कराते हैं, ग्रेट खाली और दूसरे अमेरिकन रेसलर्स इंडियन रेसलर्स हैं, हम बहुत जल्दी 2020 में एक एकेडमी भी बना रहे हैं बॉम्बे बैंगलोर इस जगह पे एकेडमी भी बन रही है अपनी ताकि हम लोग रेसलिंग सिखा सके, सिर्फ अमेरिका से नहीं इंडिया में भी रेसलर हैं, अभी इंडिया के 5 से 6 रेसलर भी सेलेक्ट हुए वो अमेरिका में जा रहे हैं WWE, उसके लिए हम लोग मौका देना चाहते हैं उनको भी कि मेल फीमेल दोनों हैं इसमें रेसलर्स। थैंक यू शादमान ने दिया कास्टिंग डायरेक्टर जो है, इट वाज बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए बिकॉज ये सब फ्रेशर्स थे, इन्होंने रैंक वॉक नहीं किया था, आई थिंक शायद एक या दो लड़कियों ने किया होगा या लड़कों ने किया, सो ये जो चैलेंज मैंने लिया था कि ठीक है कम समय में ये जो ग्रूमिंग हुआ है इनका बेसिकली ओनली इन 6-7 आवर्स और जो आपने देखा रैंप पे क्या कॉन्फिडेंस और क्या उनका निखर गया है, तो ये जज्बा मैं सब बच्चों का सल्यूट करूँगी एंड आई कंग्रेचुलेट देम कि उन्होंने दे वर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच शादमान, थैंक यू कल्याण जी फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल बैच एंड दे प्रूव्ड इट, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स और जस्ट कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग ऑल द वे। हेल्प किया है रूबीज एंजल फाउंडेशन जो USA से है, थैंक यू सो मच रूबीज एंजल फाउंडेशन USA एंड एम पावर टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र बाजार पेट जो मुझे सपोर्ट किया है, उसके साथ साथ में सपोर्ट किए हैं मुझे एस समीर फिल्म्स, आई लव यू जो एक तरीके से उसका फिल्म शूटिंग उसका शुरू हो रहा है, उनका जो समीर भाई है जो मुझे बहुत साथ दिया है, उनकी छोटा भाई भी यहाँ पर खड़े हैं, तो एस समीर ओ भी सिख कलीम है, ओ भी कलीम सिख है, आपके नाम का ही है, ओ भी कलीम सिख है, तो एस समीर फिल्म्स काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं जाते जाते सभी को खाली इतने बोलना चाहता हूँ जितनी भी लोग मुझे सपोर्ट किया है मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं एक छोटा सा गरीब इंसान हूँ और आप सभी की दुआ से आप सभी के आशीर्वाद से मुझे बनाइए, मुझे कुछ बनना है कुछ करना है और कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा सा आपका बच्चा हूँ और आपका भाई हूँ, तो भाई समझ के आप माफ़ कर दीजिएगा और बस साथ दीजिए कुछ अच्छा करूँ। मैं 6 मार्च को मैं कर रहा हूँ नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड, जो नारी पूरी हिंदुस्तान में जो अच्छा काम किया उन सभी को 65 अवार्ड हम दे रहे हैं मुंबई में जिसका ब्रांड एम्बेसडर
एम्बेसडर है मेरी मम्मी शुभ मल्होत्रा। हम 6 मार्च को हम लोग कर रहे हैं नारी शक्ति आईकॉन अचीवर अवार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू सुनील पाल साहब एंड थैंक यू सो मच से कलिप साहब। कल्याण जी से हमारे पुराने संबंध हैं और जो भी उनको हमने कहा है, पब्लिसिटी हो चाहे कोई फंक्शन हो चाहे प्रोग्राम हो, वो बढ़िया निभाते हैं, बढ़िया करते हैं। इसके लिए हमारा पूरा भरोसा है उनको कि हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने चालू किया है उसका पूरी तरह से सहयोग दे के वो हमारा उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है। मैं कल्याण जी के छोटे से फंक्शन में बड़ा धमाका के हिसाब से उपस्थित हुआ हूँ। गो डिजिटल मीडिया मेरा मेकअप का एक कंपनी है, हम कल्याण जी के उसमें मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं और ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है जो मैंने कल्याण जी से किया है और बहुत ही मैं खुश हूँ, बहुत ही मज़ा आया। आपने देखा होगा जो कल्याण जी के इवेंट में जितने भी हमने मेकअप आर्टिस्ट मतलब मॉडल्स थे उनको तैयार किया, वो हमारी कंपनी थी गो डिजिटल मीडिया। हम प्राइम फ्लिक्स की तरफ से यही बोलेंगे कि जो लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है हम उनको आगे सीरीज देंगे, काम देंगे, नए लोगों को आगे बढ़े। प्रोग्राम तो बढ़िया ही था, आपने सब लोग देखा होगा कितना अच्छी तरह से किया उन्होंने फंक्शन। और जो प्रोग्राम का जो पीछे का जो मोटिव है नए टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, मेरे ख्याल से वो जो मोटिव था, जो उसका पर्पस था, वो लगता है कहीं ना कहीं बड़ी पैमाने पर सक्सेसफुल हो गया है। सबसे बड़ी जो है वो ये सक्सेसफुलनेस। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट, बहुत मासूम जो बच्चे थे उनको कल्याण जी ने एक चांस दिया, एक मौका दिया और बड़े बड़े जो थोड़े अच्छे सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ में उन्होंने वॉक भी किया। तो हम बहुत ही खुश हैं कि हमें एक पुण्य का काम भी मिला और कल्याण जी से काम करने में जो मज़ा हमें आई है हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। हम यही कहेंगे कि ऐसे इनको करते रहना चाहिए और लोगों को आगे काम मिलना चाहिए। थैंक्स। क्या पूछोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभ मल्होत्रा इनकी जो फैशन डायरेक्टर हूँ एंड रैंप वॉक इन्होंने आई थिंक पहली बार किया है, इन्होंने पहली बार किया है और ये जो रिजल्ट आया है बहुत ही बेहतरीन। आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों ने जो भी जितने वक्त में सीखा है उसे अब्सॉर्ब किया, उसे सीरियसली लिया और आज इन्होंने अपनी जगह बना ली है, इनको इतने ऑफर्स मिल गए। आई एम वेरी प्राउड, आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी देयर डायरेक्टर एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टेक दिस बैग। दिस इज़ अ वेरी, इट्स नॉट एवरीबडी हु कैन यू नो गेट दिस, सो दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर and you have to take it forward and do better and better in life and keep shining because Mr. and Miss Icon Darshanik Mumbai se tumhari shuruaat hui hai jahan grounded hai Kalyan ji jana jo itne behtareen shaksiyat hai wo itne gareebon ke hai jo concept ke sath aap log ne walk kiya first time jo kachra chunne wale bachchon ke sath inhone walk kiya yahi se inki humbleness aur जो ज़मीन के साथ जुड़ के ये चले हैं उन बच्चों के साथ विथ सो मच प्रेस्टीज, दिस इज़ व्हाट हैज़ गॉट देम, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड मैं हूँ आरव शर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली और बेसिकली अगर मैं बताऊँ कि मुझे कैसा लग रहा है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि ये सब मेरे भाइयों का हाथ है। ठीक है, अगर मेरे पास इतने हाथ नहीं होते तो शायद आज मैं इस जगह पर ना खड़ा होता। और सबसे बड़ी मैम शुभ मैम, तो इनके लिए मैं बहुत ब्लेसिंग्स करना चाहूँगा बिकॉज इनकी वजह से आज मैं ये खिताब जीत पाया हूँ। उसके बाद जी हैं हमारे कल्याण जी जाना जो कि बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, उनको ज़ीरो से लेकर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि भाई मोती तो हर शंख में होता है लेकिन उस मोती को पिरोकर रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो कल्याण जी जाना ने मेरे साथ किया है, शुक्रिया उसके लिए। मैडम आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपके पास अवार्ड भी है और तारीफ भी है, दोनों चीजें आपने हासिल की हैं, क्या फर्स्ट ऑफ
बहुत ही प्राइड मोमेंट होता है जब एक क्राउनिंग के लिए आपका नाम अनाउंस होता है, और ये मोमेंट, दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट फॉर मी इन माय लाइफ ऑफ कोर्स, तो बहुत ही प्राइड होता है, बहुत ही प्राइड मोमेंट होता है, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है. उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप किसी पर्सनलाइज वे में. कि बाकी ऑफ कोर्स इतना वंडरफुल शो, इतना वंडरफुल कोरियोग्राफी, एग्जीक्यूशन, सब ओवरऑल इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड थैंक यू सो मच एवरी. आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से, ये अवार्ड हासिल करने के लाखों रुपए लोग ला रहे थे, आपने कितने पैसे खर्च किए? येस, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा हम लोगों से, क्योंकि ऐसा हमें भी एक दो लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ बहुत ही क्लियर शब्दों में कि आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे कोई पैसा लिया नहीं गया है, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई में फैशन इंडस्ट्री के नाम पर ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चांस देने के नाम पर न्यू बच्चों से, या हम सभी से, आई इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो, हम सभी से कुछ ना कुछ पेमेंट तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप ये दोगे तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा. बट ऑफकोर्स इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. और मैं इस चीज़ को एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमें से किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया है हमें, बल्कि यहाँ से मिला है एक बहुत अच्छे मैम का इन डायरेक्शन में हमें काम करने का मौका मिला, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला, बहुत सारे अच्छे पार्टनर्स मिले हमें यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिनसे हम पूरी लाइफ, आई एम रियली श्योर कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. एंड वंस अगेन, नो मनी एट ऑल. और अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि लोगों से पैसा लिया जाता है, बकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ लिया जाता है, और उनको जिताने का पैसा अलग लिया जाता है. तो मैं तो सिर्फ दिल्ली वालों को यही कहूँगा कि दिल्ली वालों ज़रा आओ, मुंबई आओ, और इस कल्याण जी जाना जैसे इंसान से मिलिए, और आपको तब समझ में आए. And I will not forget the third very important name, which is Ma'am Shubha. आप दोनों Miss Icon और Mrs. Mr. Icon हैं, तो क्या कहेंगे कल्याण जाना के बारे में, दोनों शो के बारे में, आपको कितना experience रहा, कैसा आपने work किया, कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. एंड हाँ, मैं कोमल राजपूत, और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई इस प्लेटफॉर्म पे. शुभ मैम ने हमें इतना अच्छे से प्रैक्टिस करवाया बहुत कम टाइम पे, एंड कल्याण जी ने मौका दिया हमें रैंप पे चलने का, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, एंड आई डोंट नो लाइक हाउ टू थैंक देम, बट इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था. एंड अगर अच्छे कॉन्सेप्ट से तुम काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल रहने वाला है, एंड येस इट वॉज सक्सेसफुल, एंड वी आर वेरी हैप्पी. थैंक यू. और इन्होंने जो हमें बताया, मतलब जितना भी सीखा है हमें बैक स्टेज पे, या वो एक हमारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा. सिर्फ इसी शो के लिए ना, हम आगे कहीं पे भी जाएंगे, आगे कहीं पे भी मॉडलिंग वगैरह करेंगे, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा शुभ मैम के लिए, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया. तो आपके पास वो भी स्लैश आपका किधर है, अवार्ड किधर है? नहीं, वो तो एक्चुअली मैं अभी डायरेक्टली बाहर से आया हूँ, मुझे सर का एक्चुअली फ़ोन आया था आप पे, तो आज तो मैं आ गया आप पे. सर आप क्या कहेंगे, एक के पास स्लैश एक के पास नहीं है, क्या देंगे ना दूसरों का? एक्साइटमेंट. तो कितना एक्साइटेड रहे आप, और कितनी फीस पे की है आपने शो के लिए? नहीं, फीस तो हमने कोई पे नहीं की है, बिकॉज ये एक अमेजिंग बात है, आप लोग भी जहाँ पर भी हम जाते हैं मॉडलिंग के लिए, तो हमें थैंक यू आ गया, तो हमें फीस वगैरह लगती है आप पे कहीं पे भी हम ऑडिशन के लिए जाए, बट ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है. तो कोई ऑफर मिले हैं आपको इस शो के बाद, कि आप किसी सीरीज में या किसी फिल्म में या किसी गाने में या किसी सॉन्ग में काम करने वाले हो? Yes, offer तो मिले. उन्होंने प्राइम फ्लिक्स के लिए हमें बोला है, मूवी के लिए, म्यूजिक वीडियो के लिए, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड. बट ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड. ये कोई क्वेश्चन था? ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड. या एक्साइटेड टू बी. पहले तो मैं नाम बताइए, और आपका इस शो में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस शो को लेकर, कितना एक्सपीरियंस आपको मिला है? शाहबान खान, कल्याण जी ने हमको मतलब 15 दिन पहले हमको बताया कि एक शो हो रहा है इनका, इसमें एक अवार्ड शो करेंगे, उसके बाद उससे पहले एक दिन पहले करेंगे एक फैशन शो,
उन्होंने बोला कुछ उनको मॉडल चाहिए, कुछ एक्ट्रेस टाइप के जो हों जो मॉडलिंग कर सकें, तो कुछ उनको हम बिना ऑडिशन किए सुम मैम के पास मैं गया कि मैम इतने लोग हैं, हम लोग ने वहाँ से विदाउट ऑडिशन के लुक्स के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया। और जितने भी यहाँ पे आए थे सारे कोई इंस्टाग्राम फेम है, कोई टीवी एक्टर्स उन्होंने टीवी में काम किया हुआ है या फिर टिकटॉक वाले हैं, तो हमने बहुत सेलेक्टेड लोगों को सुम मैम यार बैठ के सेलेक्ट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया, पूरी हेल्प सुम मैम की कल्याण जी के साथ में हम लोग ने एक दिन से रिहर्सल किया शो के पहले और बहुत अच्छा हमारा शो गया। नहीं नहीं, जितने लोग भी हमारे साथ इस शो में थे, मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं सब, किसी ने टीवी में किया है, किसी ने एक्स में किया है, तो सब अपने लोग थे। हमने बहुत सिलेक्टेड लोग को लिया जो बिना कुछ तकलीफ के, बिना कुछ क्वेश्चंस के फालतू अच्छे से काम करें, और उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए हमारा शो सक्सेस हुआ। कल्याण जी का हमने इससे पहले भी किया हुआ, एक साल दो साल पहले हमने किया था। अभी सुम मैम का एक शो है मे बी 8th of Jan को, मिस्टर एंड मिस इंडस करके, जिन्होंने इसमें 6 या 5 मॉडल्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है, वो इंटरनेशनल फैशन शो होने वाला है, तो इसके बाद हम मे बी ये एक शो करने वाले हैं। तो मैडम आप बताइए आपका नाम और ये स्लैश या अवार्ड ये आपके मेरा नाम सोनाली पंडिता है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं सबसे पहले तो शादमान सर से मिली हूँ और मैंने सबसे पहले इन्हीं के साथ काम किया और इन्होंने मुझे मौका दिया। इन्होंने बोला कल्याण सर है एक, उनके साथ ही ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो हमको एक मौका मिला है। मैं फ़र्स्ट टाइम रैंप पे चली हूँ और शुभ मैम जिन्होंने हमको बहुत खूबसूरती से निखारा और ग्रूम किया, उन्होंने हमारे शायद अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला है, तो वो हमने सक्सेसफुली शायद सबके कहने पर बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा शो और बहुत अच्छा लग रहा है ये क्राउन पहन के और ये सैश एंड अवार्ड। बहुत खुशी, आप देख सकते हो कि हमेशा मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है जो ये एक्साइटमेंट दर्शा रही होगी कि मैं बहुत एक्साइटेड थी और इस शो के लिए, और जीतने के बाद तो और भी ज़्यादा खुशी तो होती ही है। तो क्राउन स्लैश और अवार्ड भी मिला साथ में, कुछ चेक तो मिला ना, सबसे पहले सबसे बड़ा चेक मिला, सबका साथ मिला है, सबका सपोर्ट मिला है और प्राइम फ्लिक्स में काम मिल रहा है, म्यूज़िक वीडियो मिल रही है और भी बहुत 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 सारी चीज़ें। जैसे शाद सर ने बोला कि शुभ मैम के साथ जो जनवरी में होने वाला है शो, उनके लिए शायद हम भी सिलेक्ट होंगे ही, आई डोंट नो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट शायद से होंगे। तो ये सबका प्यार मिला है, इससे बड़ा चेक तो शायद होता नहीं। सबसे खासियत इस शो की ये थी कि सब बहुत प्यार कर रहे थे इस शो में, बहुत अच्छे से हमको ग्रूम किया, हमको बहुत प्यार से समझाया हर एक चीज़। हार्डली 6 to 7 hours हमने प्रैक्टिस की है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ या कुछ, और मेरा फर्स्ट टाइम था ये शो, आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा नहीं किसी को। मैम ने हमको बहुत अच्छे से ग्रूम किया है और इस शो की खासियत ये थी सारे एक टीम करके, टीम वर्क हुआ है यहाँ पे, जो कि सब एक दूसरे के साथ जुड़ कर इन्होंने काम किया और बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैं तो पहले कन्या सर को नमस्कार करूँगा, इन्होंने जितने लोग को भी सपोर्ट किया आज वो लोग उठे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के इनका प्रोग्राम भी। और मैं एस समीर फिल्म प्रोडक्शन का ज्वाइंट सेक्रेटरी, मैं समीर सर का छोटा भाई भी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग यहाँ पे विनर हुए हैं सर उनको भी अपने मूवी में काम दूँ। मैं क्योंकि समीर सर मेरी बात कभी काटते नहीं हैं, अगर मैं एक बार बोलता हूँ वो करते जरूर हैं, तो मैं तो यही है कि मैं इन लोगों को भी अपनी मूवी में काम देने की कोशिश। ये सबसे बड़ा चेक था हमारे लिए, फ्री सर, कुछ पैसा देंगे सर, ऑब्वियसली अगर बुलाएंगे पैसा देंगे सर। और सर तो कल्याण जी सर खुद ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन चेक हम बोलते हैं, जो बोलता मैं वही करूँगा। मैं मतलब पैसे दूँगा, मैं पैसे दूँगा सर, अगर कन्फर्म। माय नेम इज रोशना पटेल। बोलिए बोलिए, मेरा नाम रोशना है एंड मैं गो डिजिटल मीडिया से कनेक्ट हूँ और इन हाउस मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं, 25 से 50 मेकअप आर्टिस्ट को प्रोवाइड करते हैं एंड हम लोग कलिन जी से साथ हम लोग जुड़े हैं और मेकअप करते हैं, मेकअप है, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और उनको सपोर्ट करेंगे आगे करें? यस ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना। मैडम आप बताइए। मेरा नाम वन्ना है, वन्ना जसवाल है, मैं गो डिजिटल मीडिया से जुड़ी हूँ
और इसमें काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी काम मतलब आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। यस। तो कितने लोगों का आपने मेकअप किया है, कितना मेकअप लगाना पड़ा, काले पीले लाल हरे कैसे आप हमको सबको एक जैसा बनाया? एक जैसा मतलब सबका अलग अलग लुक वाइज टोन रहता है उस हिसाब से करते हैं। यस यस लुक के हिसाब से ड्रेस भी उनकी अलग हां ड्रेस के हिसाब से स्किन टोन के हिसाब से हम कर लेते हैं कपड़े का लेते हैं। नहीं 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 इजीली होता है मतलब पहले से आप सोच के आए थे कि मैं जाऊंगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कॉस्ट्यूम के हिसाब से हम लोग हैंडल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा तो आगे आगे कैसे जुड़ेंगे कल्याण जी से, किस तरह का आपका आगे का ओपनिंग रहेगा, आगे कुछ प्लान किया है कि जुड़ के आगे कुछ करा जाए? करेंगे 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 जैसे काम आएगा वैसे हम लोग करेंगे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ले लो सर क्या कहेंगे आप, ये आपको अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर? नहीं कास्टिंग का नहीं, हम आई वाज इनटू कास्टिंग ओनली एंड बड़ी खुशी हुई साथ में भाई को देख के उनको अवार्ड मिला है। सो मेरा पहला नॉमिनेशन है, मेरा पहला अवार्ड है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली हैप्पी एंड ऑल थैंक्स टू कल्याण जी जिन्होंने नॉमिनेट किया चूज किया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच। मैं शो में नहीं आ पाया बट टुडे आई गॉट अ कंफर्मेशन कि आई शुड कम एंड आई एम हियर। एग्जैक्टली। तो कल्याण जी से कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? कल्याण जी जानते हैं मुझे जब से मैं कास्टिंग करता था और हमारा सफ़र लगभग एक साल पुराना है। हाँ जी मैंने देखा है इनको, है ना, इनका लास्ट अवार्ड था दादा साहब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड्स, तो मैं तब से इनको जानता हूँ। सो फाइनली मेरा ये पहला नॉमिनेशन है, मैं अभी डायरेक्शन में आया हूँ, मेरे कुछ म्यूजिक वीडियोस डायनिक फिल्म मेरी आ रही है एंड ही जस्ट सो दैट और इन्होंने मुझे चूज़ किया, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। हेलो नमस्कार सलाम अलैकुम, मैं शेख करीम दुबई से हूँ। हम लोग का नेक्स्ट जो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स है 16 अगस्त 2020 में दुबई में होने जा रहा है। ये बड़े बड़े पैमाने में बड़े बड़े आर्टिस्ट सिंगर सब लोग होंगे इसके अंदर, एक बहुत बड़ा शो होगा। ये सब कल्याण जी की मेहरबानी है, इन्होंने बहुत कोशिश की है इधर करने के लिए इंडिया में सब शो। हम बोले कि चले इंडिया में से बाहर में दुबई में भी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर दुबई में जो है 2020 एक्सपो है, 6 महीने का है, 6 मंथ एक्सपो है अक्टूबर में अंदर, उससे पहले हम लोग ये शो कर रहे हैं क्योंकि दुनिया के सारे लोग जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं दुबई में आएंगे क्योंकि एक्सपो बहुत बड़ा एक्सपो है। तो उससे पहले हमने दादा साहब फाल्के अवार्ड इधर कर रहे हैं दुबई पे, तो आप सब जो भी आना चाहते हैं आइए उधर, वेलकम। हम लोग 20 मीडिया को यहाँ से हम लोग लेके जा दुबई लेके जा रहे हैं, कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हम लोग उनको यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं, उनके साथ साथ में मीडिया है 20 मीडिया, उसके साथ साथ में हमारी पूरी को टीम सब जा रहे हैं। हमारा शो का नाम है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2020, 6 अगस्त को हम लोग करने जा रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद आप सभी का दुआ अगर बना रहेंगे तो हम वहाँ भी हिट करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे हिट करेंगे। तो ये जो टीम है हमारा यही टीम रहेगा, इसके साथ में और लोग जुड़ेंगे लेकिन टीम हमारा यही रहेंगे क्योंकि टीम बन के काम होता है। एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, थैंक यू सो मच सपोर्टर SBNN.press जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कार्निवल वन, एंड थैंक यू सो मच ऑल मेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड और ऑल्सो लास्ट में मेरे पेरेंट्स मेरे पिता माता मेरे वाइफ अंकिता जाना एंड थैंक यू माय गॉड एंड थैंक यू लास्ट में जो मुझे हमें जो बनाता है वो कोई नहीं एक ही पर्सन है वो है मीडिया 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 आई लव यू मीडिया थैंक यू सो मच। जैसे इन्होंने कहा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 आइकन अवार्ड है, दुबई में होना है, कलीम साहब ने हम सबको इनवाइट किया है 6 अगस्त को। वो सिर्फ एक नाम जो है दादा साहब फाल्के जिनकी वजह से आज ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है, तो वो इतना बड़ा अवार्ड है और जो कल्याण जी जाना ने शुरू किया है इससे बढ़कर कोई चीज़ एक तोहफा नहीं दिया इंडस्ट्री के बच्चों को और आइकन्स बना रहे हैं। तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हम करने जा रहे हैं कलीम भाई के साथ, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए और प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट अस बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ रियल ग्रैंड इवेंट इन दुबई 2020 6 अगस्त। सो सी यू ऑल देयर। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे शर्मा ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं मिस्टर एंड मिस आइकन 2019 दार्शनिक मुंबई, इसके थ्रू शुभ आस्था फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है, मैंने यहाँ से 5 लड़के
और 5 लड़कियां जो इंटरनेशनल शो होने जा रहा है मुंबई फैशन वीक 1 जनवरी फिनिक्स मॉल डबलिन स्क्वायर में. तो ये 8 बच्चे बिना कुछ पैसे दे आर क्लाइंबिंग अ प्लेटफॉर्म टू यू नो गेट बेटर देमसेल्व्स फॉर इंटरनेशनल लेवल. तो आई वेलकम ऑल दीज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स विच विल बी अनाउंस्ड द नंबर्स विल बी अनाउंस्ड soon and will be shared with Kalyan Dijana. So congratulations to all of you and see you on 8th of January 2020 and Happy New Year to everybody. May everybody's wishes come true. God bless. Jai Hind, Jai Bharat.